हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा मल्टी टैलेंटेड हो, जीनियस हो, ऑलराउंडर बने। हर एक पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है। कुछ बच्चे तो बाय बर्थ ही ऐसे होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से पिछड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जीनियस नहीं बन सकते, वो भी जीनियस बन सकते हैं यदि घर में उनके पेरेंट्स या टीचर्स उनको इस तरह से ट्रीट करें। तो यहाँ मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ही बातों पर फोकस डालने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करें अपने बच्चे के साथ में, तो डेफिनेटली आप कि जो बेबीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक ये जो इस तरह की क्वालिटीज़ हैं ये डेवलप होंगी। तो सबसे पहले बात तो ये है कि छोटे बच्चे होते हैं, लाइक मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 2, 3 और 4 ईयर्स ओल्ड बेबीज़ के बारे में। तो इस एज ग्रुप के बच्चे के अंदर ना बहुत, मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है बहुत कुछ जानने की। बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत कुछ पूछने की उनको इच्छा होती है। तो कभी भी आप बच्चे को डांटे नहीं, उनको स्टॉप ना करें। मतलब जितने वो क्वेश्चंस कर रहा है, जो भी कुछ वो आपसे पूछ रहा है, हर चीज़ का कोशिश करें कि उसको जवाब मिले। उसको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, जो भी वो पूछ रहा है। घर में कोई चीज़ है, बाहर वो जाता है, तो आप उसके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दें। अगर आप उनको डांटेंगे तो उनको जो एक जिज्ञासा होती है जानने की, क्यूरियोसिटी होती है, वो स्टॉप हो जाएगी और उनको एक टैरर दिल में आएगा और वो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछने में घबराएंगे। तो ये इससे क्या होगा कि अगर वो आपसे मतलब डरते हैं, नहीं पूछते हैं, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट जो हो रहा होता है उस स्टेज पर वो भी स्टॉप होगा। नेक्स्ट बात ये है कि आप बच्चों को ना एनकरेज करें अच्छा काम करने के लिए। लाइक आपके अकॉर्डिंग जो लगता है इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए, मतलब वो क्या अच्छा कर रहा है। बहुत बार देखते होते हैं कि घर में कभी कभी बच्चे बहुत कुछ अच्छा करते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। तो हमें वहाँ पर उनको इनक्रेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको ये फील कराना चाहिए कि बच्चे ने अच्छा किया है। तो इनक्रेज करना वहाँ पर, मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग ये है कि बच्चों को ना गुड मैनर्स सिखाएं। गुड मैनर्स से मेरा मतलब है कि लाइक उनको जैसे मैजिक वर्ड्स की बात करते हैं, मैजिक वर्ड्स उनको सिखा दीजिए। जैसे आपने उनसे कुछ लेना है, बच्चे के पास में कुछ है और आप उससे वो चीज़ मांग रहे हैं, लाइक पेंसिल है, तो आपने बोला प्लीज़ मुझे ये पेंसिल दे दो, कृपया मुझे ये पेंसिल दे दो। आपने प्लीज़ वर्ड यूज़ किया, बच्चे ने आपको दे दी, आप पलट के बोलिए थैंक यू। आप इस तरह की चीज़ों को बच्चे के सामने बार बार रिपीट करेंगे तो वो जो वर्ड्स हैं, मैजिक वर्ड्स हैं, उसकी लैंग्वेज में आ जाएंगे और वो भी नेक्स्ट टाइम से थैंक यू प्लीज़ बोलना स्टार्ट कर देगा। बच्चे ने कोई मिस्टेक की, किसी को हर्ट किया, किसी एनिमल को हर्ट किया, या कोई भी ऐसी आपको लग रहा है कि गलती वो कर रहा है, तो उसको आप सॉरी बोलने के लिए इनकरेज करो। उसने जब भी मिस्टेक की से सॉरी। तो मतलब आप, मेरे कहने का है कि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको गुड मैनर्स सिखाएं, अच्छी आदतें डालें। नेक्स्ट थिंग ये है कि आजकल ना मार्केट में बहुत से गेम्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको खेल खेल में सिखाइए। गेम्स भी होते हैं, घर में भी ऐसी बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, आप उनको खेल के द्वारा सिखा सकते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ घर में, आप कुछ मेंटल डेवलपमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, उनकी जो थिंकिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए बहुत से ऐसे गेम्स यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आपको डाल के दूंगी तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे आप उनको कुछ सेम मतलब कार्ड्स बना के दे सकते हैं, तो कार्ड्स में जैसे लाइक आपने कोई पिक्चर है, 4-5 डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर है, तो आपने बोलना है कि इनमें से एक पिक्चर आपने दिखाई है और आपने बच्चों को बोलना है कि आप इन पिक्चर्स में से सेलेक्ट कीजिए। तो वही सेम पिक्चर जो उसके पास में है वो उस पिक्चर को देख के उनमें से फाइंड आउट कर रहा है और सिलेक्ट करके उसने रख दी। ये रेपिटेशन चलता रहेगा, इससे बच्चे की थिंकिंग स्किल डेवलप होगी। और भी बहुत सी ऐसे गेम्स आते हैं जिनसे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है। जैसे आजकल ना ब्लॉक गेम्स बहुत आ रहे हैं, टॉय ब्लॉक्स, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये जस्ट लाइक ये ब्लॉक्स हैं, तो इससे क्या होता है, जैसे ये ब्लॉक है, बच्चे बनाते हैं, कोई बिल्डिंग डेवलप कर ली, बहुत कुछ मार्केट में इस एज सच अवेलेबल है। तो ऐसे ब्लॉक्स को बिगाड़ना, बनाना, तो इससे भी ना थिंकिंग स्किल डेवलप होती है बच्चों की। तो आप इस तरह के गेम्स ला के दे सकते हो। अभी घर में बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक आपने कोई डॉल दी है तो आप उसको बोलिए इसको ड्रेसअप कीजिए, आप इसका ख्याल रखना है, इससे बात करनी है। तो इस तरह से ना बच्चों को आप एंगेज कीजिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में।
ये कुछ टिप्स थे जो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे अपने बच्चे को ना टैलेंटेड बनाने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप वॉचिंग, बाय बाय।